अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। बी ए इंग्लिश थर्ड ईयर, लेक्चर नंबर 6, द हैप्पी प्रिंस शॉर्ट स्टोरी है जी हमारे पास ऑस्कर वाइल्ड की। ऑस्कर वाइल्ड वॉज एन आयरिश पोइट, ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट। जो हैप्पी प्रिंस हमारे पास स्टोरी है जी, इट इज़ अ फेरी टेल। वट इज़ फेरी टेल? फेरी टेल एक्चुअली इट इज़ अ फोक लिटरेचर, इट बिलोंग्स टू अ फोक लिटरेचर। इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू द फॉर्चून्स एंड मिस फॉर्चून्स ऑफ द हीरो एंड हीरोइनी। फेरी टेल बेसिकली इमेजिनेटिव स्टोरी भी होती है, इसको जो है चिल्ड्रन की, बच्चों की स्टोरी भी कहा जाता है, मैजिक स्टोरी भी कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो पीछे एक लेसन होता है ना जी, वो बड़ा लेसन होता है। जैसे आज की हमारी स्टोरी में भी एक बड़ा जो है वो लेसन होगा इसके अंदर जी। स्टोरी का आगाज़ करते हैं जी करेक्टर्स के साथ। इसमें बहुत थोड़े करेक्टर्स हैं जो राइटर ने यूज़ किए हैं और उसके अंदर कोई नेम भी नहीं है। और जैसे हमारे पास पहला जो करेक्टर्स है जी, द हैप्पी प्रिंस हिमसेल्फ, हैप्पी प्रिंस के नाम से स्टोरी है। हैप्पी प्रिंस यानी खुश शहजादा। ही इज़ अ प्रिंस हु लिव्स इन अ लाइफ ऑफ लग्जरी। एक ऐसा शहजादा जिसको कोई किसी किस्म की कोई सोरोस का नहीं पता, कोई मिजरीज का नहीं पता, कोई किसी चीज़ का नहीं पता, वो लिव्स हैप्पीली। दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी स्वेलो, अ माइग्रेटिंग बर्ड विच बिकम्स अ फ्रेंड ऑफ प्रिंस। लेटर ऑन हम देखेंगे जी किस तरह वो जो है जो हमारा शहजादा है उसका किस तरह वो दोस्त बनता है। तीसरे नंबर पे रीड, एन एक्वेटिंग बर्ड, एक्वेटिंग बर्ड रीड, अ बर्ड हु डज नॉट फ्लाई। सो जो हमारा जो सेकंड करेक्टर है स्वेलो, ही फॉल इन लव विद रीड। व्हेन ही इज़ गोइंग टू अजिप, ही रिस्ट्रेंड हिमसेल्फ, ही स्टॉप्स हिमसेल्फ हेयर एंड फॉल इन लव विद रीड। रीट एक सरकंडे को भी बोलते हैं, ठीक है, और एक छोटा कह लें कि बर्ड, एक्वेटिंग बर्ड जी। स्टोरी का हम आगाज़ करते हैं जी, स्टोरी किस तरह डेवलप होती है, हाउ स्टोरी डेवलप, किस तरह इसके जो पिन पॉइंट हैं, हाउ स्टोरी बिल्ट, किस तरह बिल्ट होती है जी। स्टार्ट करते हैं जी, पहली जो मैंने पॉइंट लिखा है जी यहाँ पर, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंस। एक प्रिंस की स्टोरी है, एक एक शहजादे की स्टोरी है। हु लिव्स इन अ पैलेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक पैलेस में रहता है। एंड द सॉरोज आर नॉट अलाउड टू इंटर इन दैट पैलेस। सॉरोज को, तकलीफ़ों को, गमों को, परेशानियों को उस पैलेस में इजाज़त नहीं है। और पैलेस का नाम क्या है जी? सांस सूची। सांस सूची बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है जी। सांस मीन विदाउट होता है, सूची ग्रीफ गम, यानी विदाउट ग्रीफ, विदाउट गम, बगैर किसी गम के, यानी इस पैलेस का जो नेम है। हमारे दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है, आफ्टर द डेथ ऑफ अ प्रिंस ही वॉज कन्वर्टेड इनटू अ स्टैचू एंड वॉज फिक्स इन अ हाई प्लेस इन द सिटी। जब बादशाह जो है वो प्रिंस जो है हमारा वो मर जाता है, तो उसका एक जो वहाँ का इट इज़ अ ट्रेडिशन अवर देयर, वहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है, एक रवायत होती है कि जो बादशाह या शहजादा मर जाएगा उसको जो है ना वो वहाँ पे शहर के सेंटर में जो है ना नसब कर दिया जाता है उसका स्टैचू। नंबर 3 पे जी हमारा जो पॉइंट है जी, द स्टैचू वॉज डेकोरेटेड विद प्रीशियस गोल्ड। उसको डेकोरेट कर दिया जाता है, ज़ाहिर सी बात है वो प्रिंस था तो प्रीशियस गोल्ड, रबी, ठीक है, स्फियर्स, ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड। उसको लदा होता है जी वो बहुत सारे गोल्ड के साथ, याकूत उसके लगा दिए जाते हैं उसके सोर्ड हिल पे, स्फियर्स उसकी आंखों में नीलम जो जड़ा होता है, ठीक है, तो हर बंदा जो है वो उसकी तारीफ़ करता है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है जी, वन नाइट अ स्वेलो स्टेड इन द फीट ऑफ द प्रिंस। जो स्वेलो होता है वो वहाँ पर स्टे करता है प्रिंस के कदमों में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इजिप्ट जा रहा होता है, तो ये अपने ग्रुप के साथ होता है, तो ये वहाँ पे स्टे कर लेता है। इसलिए स्टे कर लेता है कि ही फॉल्स इन लव विद रीड। लें जी आगे मैं लिखता हूँ जी,
पॉइंट नंबर फाइव जो है जी हमारा, वो है जी कि ही सॉ डैट द स्टैचू ऑफ द प्रिंस वॉज वीपिंग। जब स्वेलो जो होता है वो वहाँ पे आके उसके कदमों में बैठता है तो वो देखता है कि उसके ऊपर एक जो है ना ड्रॉप ऑफ टीयर गिरता है, तो वो देखता है यहाँ पे ये क्या सेव नहीं है कि मेरे ऊपर बारिश गिर रही है। जब वो देखता है ऊपर आसमान की तरफ तो देखता है कि वो जो स्टैचू है वो रो रहा है। नंबर सिक्स पे जो हमारे पास पॉइंट है कि व्हेन ही वाज अलाइव, ये ही वाज अलाइव से मुराद प्रिंस है जी, जब वो जिंदा था ही वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ कॉमन पीपल। उसको क्योंकि एक तो ये कहा जाता है स्टोरी में जब हम पढ़ते हैं कि जी वहाँ की जो सैन सुची पैलेस था उसकी जो वॉल्स थी बहुत ऊंची थी, सारोज आर नॉट अलाउड टू इंटर इन डैट पैलेस एज वेल, वहाँ पे इंटर नहीं होती थी। दूसरा ये कि जी जो प्रिंस था उसने कभी बाहर खुद जाने की कोशिश नहीं की, कभी देखने की कोशिश नहीं की लोग किस हाल में रह रहे हैं, कितनी जो है वो पावर्टी है। नंबर सात पे जो जो सारी ये हालातों वाक्यात, पहले मैं ये बता दूं पहले जितने हालातों वाक्यात जो प्रिंस देख रहा होता है ऊपर से, तो ही रिक्वेस्टेड द स्टैचू रिक्वेस्टेड द स्टैचू, यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ द प्रिंस आई मीन द स्टैचू रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू बिकम हिज मैसेंजर। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि जो है ना मेरा मैसेंजर बनो एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑल हिज स्फियर्स रबीज, के उसके जितनी जो याकूत के जो उसके सोल्ड हिल पे जो उसका यहाँ पे सोल्ड लगी थी उस पर लगे हुए हैं, जो उसके नीलम हैं आइज में वो दे आओ एंड गोल्ड फॉइल्स अमंग द पुअर पीपल। अब अमंग द पुअर पीपल से मुराद ये है कि जैसे वो स्वेलो जो है वो विज़िट करता है डिफरेंट जगह का, वो आगे देखता है बताता है कि जी जो एक एक लड़की की कहानी बच्ची की बताता है कि उसकी जो मैच बॉक्स हैं वो वहाँ पे गटर में गिर गई हैं एंड शी वॉज वीपिंग, वो रो रही है और अगर वो घर पैसे ना ले गई तो उसका जो बाप है उसको मारेगा। दूसरा बताता है कि देर वॉज, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में देर वॉज मच हार्श वेदर, देर वॉज मच कोल्ड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जो एक प्ले राइट होता है एंड ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ हंगर, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। एंड सेकंडली जो चीज़ वो ये भी होती है कि जी उसके पास आग जलाने के लिए गैरेट में कोई ऐसी लकड़ी नहीं होती जिसमें जो वो आग जला के वो लिख सके। उसने सुबह ड्रामा जो होता है उसका प्ले होता है वो उसने देना होता है, ठीक है। तीसरी जो बताता है कि जी जो एक औरत होती है वो जो है वो उसके बच्चे रो रहे हैं बिलक रहे हैं खाने को कुछ नहीं है, वो जो है ना वो इतनी गुर्बत है कि वहाँ पे स्टोन्स जो हैं वो उसने स्टोव पे रखे हमारे बच्चों को जो है ना सला रही है कि जी जो अभी खाना बन जाता है तो आपको देता हूँ। तो वो कहता है कि प्रिंस बोलता है स्वेलो को कि ये जितनी चीज़ें हैं ये काइंडली उनको दे आओ, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो उस स्वेलो जो है वो ही वॉज अ बेड, वो बड़ा ओबेड होता है, वो जाके डिसोबीडियंस शो करता है, जाके सारा कुछ दे जाता है। ग्रेजुअली आहिस्ता से द पीपल बिकेम हैप्पियर, लोग जो है वो खुशहाल होना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर लोगों की जो परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। बट आउटवर्डली बज़ाहर द स्टैचू ग्रीव अग्लियर, अब स्टैचू की सारी चीज़ें उसकी आइज़ में से भी निकाल दी गई, उसकी हील में से भी निकाल दी गई, वो टोटल जो है वो स्केलेटन की तरह का हो गया। तो द वेदर बिकेम हार्श, थोड़ी देर बाद वेदर क्योंकि वहाँ पे मिस्ट एंड फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो जब वहाँ पे मिस्ट होती है डेट रिजल्टेड द डेथ ऑफ स्वेलो, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वो बर्फ़ के अंदर ही दब के मर जाता है स्वेलो होता है जो। एज द स्वेलो डाइट, जब वो मरता है द लिडन हार्ट ऑफ प्रिंस ब्रोक, लिडन हार्ट ऑफ प्रिंस ब्रोक, जो उसका शीशे का दिल होता है वो भी टूट जाता है प्रिंस का। नंबर दस पे जो मेरा पॉइंट है जी, द स्वेलो वॉज थ्रोन ऑन टू द हीप ऑफ रबिश, स्वेलो को जो है वो गार्बेज में फेंक दिया जाता है। द स्टैचू ऑफ द प्रिंस वॉज सेंट टू फाउंड्री टू मेल्ट, उसको मिल में भेज दिया जाता है लोहे की कि जी इसको मेल्ट करके दोबारा लाएं ताकि दोबारा हम लगा सकें। ऑल मेल्टेड, सारी चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं जी, पूरा लोहा जो है वो मेल्ट हो जाता है एक्सेप्ट इज ब्रोकन हार्ट, सिवाय उसके जो टूटा हुआ दिल होता है, ठीक है शीशे का दिल उसके। इट वॉज थ्रोन अवे बाय द वर्कर्स, तो जब मेल्ट नहीं हो रहा होता तो वर्कर्स जो होते हैं वो उसको दूर फेंक देते हैं, कहते हैं जी ठीक है जी जाओ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्लाइमेक्स है, एक जो है ना बड़ी बात यहाँ पे आती है, एक लेसन भी आता है। इधर से जो गॉड है तो वो हुक्म देता है अपने एंजल को, अपने जो फरिश्ते को, कि जाओ दुनिया में से दो खूबसूरत तीन चीज़ें लेके आओ। तो वो क्या करता है कि जी वो आता है दो खूबसूरत, एक स्वेलो और एक जो है ना जी प्रिंस का हार्ट, वो लेके जाता है।
ठीक है, वो उन्हें फिर पैराडाइज में रखा जाता है, या वो अल्लाह ताला जो है वो गॉड उनका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उन्हें एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। ऑन गॉड्स कमांड, खुदा के हुक्म पर, द एंजल ऑफ मर्सी पिक्ड अप, जो फरिश्ता है रहम का, पिक्ड अप द ब्रोकन हार्ट, तो उसको टूटे हुए दिल को जो है वो पकड़ लेता है, ऑफ प्रिंस एंड आल्सो द स्वेलो, और स्वेलो को भी, गॉड अप्रिशिएटेड द चॉइस ऑफ एंजल, और जो खुदा होता है वो इसकी चॉइस को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद करता है। लें जी, ये आज की हमारी जो स्टोरी है वो हैप्पी प्रिंस थी, और स्टोरी नंबर 6। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया।